जरताज गुल पिशावर हाई कोर्ट में मौजूद फोन लाइन पर हैं। इस वक्त सिचुएशन आपके सामने है, वहाँ पर इस वक्त पुलिस, पूरे खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस अगर आप कहें तो इस वक्त पिशावर हाई कोर्ट के बाहर खड़ी है। बाकायदा बख्तरबंद गाड़ियाँ मौजूद हैं, ख्वातीन हैं, मर्द हैं, और जरताज गुल वहाँ पर महसूर है। सुबह 8 बजे से ये वहाँ पर बैठी हुई है, प्रोटेक्टिव बेल लेने गई, और इससे पहले उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इन्होंने अब बाहर आने से इनकार किया, और अब इस वक्त ये इंतज़ार कर रही हैं इन्हें प्रोटेक्टिव बेल मिले। 24 घंटे जज की ड्यूटी होती है, 24 घंटे। देखना यह है कि पेशावर के गयूर जजेस की गैरत जागती है और आके जरताज गुल को ये लोग ज़मानत आयन और कानून के मुताबिक देते हैं, या फिर आज फिर आयन को जूतों तले रौंदा जाता है। जरताज गुल मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जरताज गुल, कैसी हैं आप इस वक्त? सबसे पहले ये बताएं आपकी सेहत, और क्या इस वक्त आप अपने आप को महफूज तसव्वुर कर रही हैं? जी अस्सलाम वालेकुम, अल्हम्दुलिल्लाह फाइन जी। बस मैं इस वक्त हाई कोर्ट के अंदर हूँ, बार रूम के अंदर हूँ, और जारी बात है मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी जब तक मुझे सिर्फ पैसेज और प्रोटेक्टिव बेल नहीं दी जाती, और मुझे ये चीफ साहब अशोर नहीं करते, क्योंकि मैं तो खुद इंसाफ लेने के लिए आई हूँ। मैं सुबह 8 बजे से यहाँ बैठी हुई हूँ, तो जब वो फैसला देंगे मेरी बेल पे, और साथ ये भी कहेंगे कि मुझे बाहर भी अरेस्ट ना किया जाए, क्योंकि इस वक्त तो बाहर पूरा का पूरा सीज है अरेस्ट करने के लिए, तो मैं तो उसके बगैर तो नहीं जाऊंगी यहाँ से। अच्छा ये बताएं, अभी आप किससे इंसाफ मांग रही हैं? क्या आपको काजी फायज साहब से, जो आपने केस आज सारा दिन सुना जिस तरह के उनके रिमार्क्स थे, उनसे आपको इंसाफ की तवक्को है, या आप इस वक्त पिशावर हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है उनसे इंसाफ चाहती हैं? नहीं, उनसे भी है, सुप्रीम कोर्ट से भी मेरी सारी बातें अपील है कि हम लोग इंसाफ का दरवाजा जब खटखटाते हैं तो इसलिए खटखटाते हैं ना कि हम खुद को सरेंडर करते हैं, और हम मानते हैं कि पाकिस्तान का कानून आइन सबसे बड़ा है, कोर्ट सबसे बड़ी है, लेकिन इस वक्त तो मैं पिशावर हाई कोर्ट में बैठी हुई हूँ, तो मेरी है पिशावर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस से मेरी अपील है इस वक्त। पिछले 7 माह से आप मतलब इस गदर का सामना कर रही हैं, रोपोश मफरूर भी रही हैं, इश्तिहारी भी इन्होंने कर दिया, आज ऐसा मामला क्या हुआ कि आज आपकी आंखों में आंसू भी थे? नहीं, जारी बात है जब अपने मुल्क के अंदर इंसान को इंसाफ नजर नहीं आता तो इंसान को गिला शिकवा तो होता है, तकलीफ तो होती है, और फिर जारी बात है जब आपसे सवाल ये किया जाता है कि मजम्मत करें नौ महंगे तो कैसे नहीं करेंगे। मैंने कहा कि देखिए नहीं, मेरा तो अपना भाई शहीद हुआ है, हम लोगों ने तो लोग टेररिज्म की बात करते हैं, हमने सही भी है, मैंने 21 साल के भाई की लाश उठाई भी, वो शहीद है, मैं तो खुद शहीदों के वारिस हूँ, तो शहीदों के वारिस के साथ तो फिर ये सलूक नहीं करना चाहिए ना जो मेरे साथ हो रहा है। मैं तो इमरान खान का साथ नहीं छोड़ सकती, मैं तो हक सच को पहचानती हूँ, मैं इमरान खान को कैसे छोड़ू, सजा तो मेरी यही है ना। सरताज, मैं बड़ा आसान सवाल सबके सामने रखता हूँ, पूछता हूँ कि आपके पास मौका है, आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, बुलाएं उन्हें, कहें मैं इमरान खान का साथ छोड़ रही हूँ, मैं तहरीक इस्तेहकाम में जा रही हूँ, इस्तेहकाम पाकिस्तान में जा रही हूँ, या परवेज़ खट्टा की पार्टी ज्वाइन कर रही हूँ, या आपको देखें सारा प्रोटोकॉल मिलेगा, आपको फ़ौरन कुर्सी मिलेगी, आपको अगली नशस्तें मिलेंगी, आपको सारे मामला, तो आप इमरान खान को छोड़ दें? नहीं, देखें मैं इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन का हिस्सा थी, मैंने इस सियासत में अपना नाम बनाया, मेरी उम्र में कोई खातून निसरत फुडल को हरा के अलग नहीं होती, मेरे ऊपर मेरी पार्टी ने और खान साहब ने एतमाद किया, मुझे लीडर बनाया, अपना ब्रांड बनाया, मेरे ख्याल में वफादारी तो इंसान के खून में शामिल होती है, क्या मुश्किल वक्त में इंसान सबसे पहले छोड़ के भागता है, वो मेरे ख्याल में ना मेरे पठान होने की दलील है ना मेरे पाकिस्तानी होने की दलील है, और जो मेरे साथ जितने फ्यूडल मेरे रीजन में थे हमारी पार्टी में सब भाग गए, इंशाल्लाह उनके बड़े बड़े पगड़ियों पे, शमनियों पे, उनके बड़े बड़े दस्तारों पे इंशाल्लाह मेरी चादर भारी होगी, वफाक के साथ रहेंगे, खान साहब के साथ रहेंगे, मुश्किल रास्ता नहीं होता, बात ही होती आपके जमीर की बात होती, मेरा जमीर ये गवारा नहीं करता कि मैं मुश्किल वक्त में अपने पार्टी को और अपने लीडर को छोड़ूँ। इस वक्त 24 करोड़ पाकिस्तानी आपको देख रहे हैं, पूरी दुनिया में इस वक्त जो जहाँ भी पाकिस्तानी मौजूद है उसकी नज़र इस वक्त पिशावर हाई कोर्ट की इस बार रूम पे जहाँ मौजूद हैं, जब ये आपको गिरफ्तार करेंगे कि ऐसा मामला ना हो कि आप टूट जाएं, आप इनके सामने और खान को छोड़ने की आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आ जाए, पार्टी से अलग होने की बात आप कर रही हूँ, अगर खुदा न खवास्ता ऐसा बयान आया तो उस पर फिर हम क्या समझें? जो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी मैंने कर ली, मैंने उनसे यही कहा कि मुझे इलेक्शन लड़ने दिया जाए और मैं अपनी पार्टी की क़यादत पे, अपने पार्टी के टिकट पे, खान के नजरिए पे मैं इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, और ये मेरा एक बेसिक राइट है, मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ये तो नहीं हो सकता ना कि आपने पंजाब ठेके पे दे दिया और खानदान शरीफा के हवाले कर दिया और आप कह रहे हैं कि बाकी सारे सियासत छोड़ जाएं, घरों में बैठ जाएं, मुझसे मेरा ये हक कोई नहीं छीन सकता, मुझे सियासत
इसके अलावा कोई काम नहीं आता। मैंने स्टूडेंट लाइफ से मैंने सियासत की नहीं है, मैंने अपने इलाके का नाम रोशन किया, मैंने अपनी मिनिस्ट्री का नाम रोशन किया। कोई इससे पहले पाकिस्तान में क्लाइमेट चेंज की मिनिस्ट्री को नहीं जानता था, मैंने किया है, मैंने खान के नजरियों को आगे पहुंचाया है। मैं यूथ लीडर हूँ, मैं ये नहीं हो सकता कि मुझे कोई इस तरह सियासत से हटा दे और कहें कि जिस तरह खानदान शरीफा को है हक है, मुझे हटाना है तो मुझे इलेक्शन के जरिए मेरा मुकाबला कर और इलेक्शन में मैं इनको ना कुछ चने चुपाऊंगी, ये मेरा राइट है। मैं सियासत और पार्टी तरीके इंसाफ नहीं छोड़ सकती, खान को मैं नहीं छोड़ सकती। तो जो दुनिया की मेरी नजरों के ऊपर है वफा की मिसाल है, ये मेरा कोई एहसान नहीं है पार्टी के ऊपर, ये वो एक इज्जत की कमाई है, ये एक सियासत है। मुश्किल वक्त आते हैं पार्टियों पे, ये थोड़ी होता है कि आप जंप लगा के कहीं और चले जाए, वो इंसान ही नहीं होता जो दो मिनट के अंदर नजरिया बना के किसी और के पास चला जाए, वो फिर मफाद होता है, मैं मफाद परस्त नहीं हूँ। अच्छा, इस वक्त अभी इंसाफ लॉयर फेडरेशन के वकला भी आ गए हैं, आपको कुछ खाना बिस्तर वगैरह ये भी कोई प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ पे पिशावर के ये गयूर लोग भी आपकी हिफाजत के लिए मामूर है, तो ऐसी सूरत हाल में आमतौर पर लोगों को अपनी जान का खतरा होता है, कुछ भी हो सकता है, तो आपको ऐसा कोई खतरा तो नहीं? देखिए, मेरा मुल्क है, मैं अपना मुल्क, मेरा मुल्क गैर महफूज क्यों हो लोगों के लिए, मेरा मुल्क गैर महफूज मेरे लिए क्यों हो, और किस बात पे जब मैंने चोरी की नहीं की है, मैंने मनी लॉन्ड्रिंग नहीं की है, मैंने करप्शन नहीं की है, मैंने गद्दारी नहीं की है, मैंने लोटाक्रेसी नहीं की है, मैंने पार्टी नहीं बदली है, मैंने मफाद नहीं वो किया, तो फिर मैं अपने मुल्क में सेफ क्यों ना हूँ, मैंने अब कानून नहीं तोड़ा, तो मेरे मुल्क को मुझे तो हर जगह बैठ के सेफ होना चाहिए, और मैं तो सिर्फ मुझे क्या, देखिए ना, मैं तो एक लीडर हूँ अपने इलाके की, तो अगर मैं गैर महफूज अपने आप को समझूंगी और मैं समझूंगी कि मैं प्रोटेक्टेड नहीं हूँ, तो फिर मेरे ऊपर जो जिन लोगों ने मुझे 80,000 वोट दिया था वो क्या सोचेंगे कि उनकी लीडर को अगर इंसाफ नहीं मिल रहा तो ये हमारे साथ क्या इंसाफ होगा। पिछले 8 महीने से घर मेरा बिल्कुल बर्बाद है, घर को उन्होंने जो है वो सारा वीरान कर दिया, हर रोज पुलिस वहां पे आ जाती है, तोड़ फोड़ करती है, नमाजियों को तंग करती है, वहां पे शॉप्स हैं, मस्जिद है, उनको तंग करती है, और हमारी खवातीन जो वो सारी शरही पर्दा कर रही है, वो घरों में जब घुसते हैं तो फिर इज्जत तो किसी के महफूज नहीं है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। कल को जब हालात चेंज होंगे और हम इंशाल्लाह दोबारा से हुकूमत में होंगे ताकत के साथ, आवाम की ताकत के साथ, तो हमने इन इदारों को प्रोटेक्ट करना है, ये तो फिर हम मतलब किस तरह उनको ये कहेंगे कि हमारे साथ इंसाफ नहीं हुआ। मैं तो कहती हूँ आगे बढ़ना चाहिए, खत्म कर दें इस चीज को, खानदान शरीफा को मुल्क ठेके पे ना दें, लोगों को फैसला करने दें कि लोगों ने किसको इलेक्ट करना है, आवाम फैसला करेगी, तो अगर आप हमें आवाम तक पहुंचने ही नहीं दे रहे, और हम देखिए ना, सबसे बड़ी बात ये कि मैं इस वक्त बेल लेने के लिए आई हूँ, मैं सरेंडर कर रही हूँ, मैं आईन कानून को मानती हूँ, और मुझे इंसाफ ना मिले तो ये तो ज्यादती है ना, तो मुझे तो अपने मुल्क में अपने आप को महफूज रखना है। इस वक्त जरताज आपके ऊपर इल्जाम क्या लगाए हैं, प्रोटेक्टिव बेल जो आप लेने आई, तो ये क्या इल्जाम है आपके ऊपर, लोगों को तो पता है लेकिन अगर आप खुद बता दें। वो कह रहे हैं कि जी मैं एट अ टाइम जो है डेरा गाजी खान में, पिंडी में, सरगोधा में, इस्लामाबाद में, और आई थिंक गुजरावाला में और फैसलाबाद में मैं एट अ टाइम मौजूद थे, हालांकि मैं डेरा गाजी खान में मौजूद थी, मैंने डेरा गाजी खान के अंदर बैठ के अपने खान के लिए, अपने लीडर के लिए, अपनी पार्टी के लिए आवाज उठाई है, मैंने तो हमेशा डेरा गाजी खान का नाम रोशन किया, मैं तो पाकिस्तानियों के ऊपर और डेरा गाजी खान के ऊपर बिलीव करती हूँ, तो खान ने तो हमें आइडियोलॉजी यही सिखाई थी कि अगर आप लोग हक के लिए आवाज बुलंद करें तो आप लोगों ने गमला भी नहीं तोड़ना, तो मैंने तो गमला भी नहीं तोड़ा, इल्जाम मेरे ऊपर यही कि मैं खान की साथी हूँ, ये इल्जाम तो सर आंखों पे। अच्छा सरताज, इस वक्त तकरीबन इस प्रोग्राम को मुझे नहीं पता है कितना वायरल होगा, कितने नौजवानों के पास जाएगा, लेकिन मेरा जाती राय है कि 24 करोड़ अवाम, खास तौर पर 64% नौजवान आपको देख रहे हैं, आपको पसंद करते हैं, आपकी वफादारी, अब हुबुल वतनी को देखते हैं, बल्ले का निशान आपसे छीन लिया कि आपकी पार्टी को तोड़े जा रहा है, इस वक्त गदर मची हुई है, आपके रहनुमा सारे प्रेस कॉन्फ्रेंसेज अगवा, आपके जो कप्तान है वो जेल में है, नायब कप्तान समेत, ऐसी सूरत हाल में आप इन नौजवानों को क्या पैगाम देंगी जो इस वक्त कुछ थोड़े से मायूस नजर आ रहे हैं? उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए, देयर इज ऑलवेज एक होता ना जिसे होप होती है, उम्मीद के बगैर इंसान जिंदा नहीं रह सकता, और फिर ये भी तो देखे ना कि ये वाहिद पार्टी है जिसमें वर्कर के साथ साथ लीडर कुर्बानी दे रहे हैं, खान जैसा बहादुर और पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले लीडर को गलत मुकदमों के अंदर जो है वो जेल के अंदर काल कोठरी में डाल दिया, तो मैं तो नहीं समझती हूँ कि जो मदीना की गलियों में नंगे पैर घूमता हो, शान रसूल का मुकदमा लड़ता हो, मुश्किल वक्त है लेकिन अल्लाह ताला उसमें से निकाल देगा, तो नौजवानों को हौसला पकड़ना चाहिए, और पैगाम मेरा ये है कि जो मर्जी हो जाए हम इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट में बल्ले का मुकदमा लड़ेंगे, और अगर
फैसला कुछ और होगा खुदा ना खास्ता, तो जो इमरान खान हमें पार्टी कर जो भी हमें निशान अलॉट करेगा तो हम उस पर चेहरे एज इंडिपेंडेंट हम जो भी चेहरे होंगे इंशाल्लाह उनके नाम जाएंगे सबके पास, आप हमें वोट डालें, इमरान खान के लिए वोट डालें, उम्मीद का इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लें और इंशाल्लाह वक्त आएगा, ये वक्त भी गुजर जाएगा। तो सरताज गुल, तहरीके इंसाफ के और पाकिस्तान के नौजवानों को मैं ये पैगाम दे दूं कि चाहे कुछ भी हो जाए सरताज गुल नहीं टूटेगी। खान के साथ ही हूं मैं, अगर मैंने टूटना होता तो प्रेस कॉन्फ्रेंस तो पहले दिन ही बहुत आसान थी जी। इतनी मुश्किलों के वक्त हक सच पे खड़े होने के साथ कहीं मतलब तो नहीं है कि बंदा दो मिनट के अंदर जो है वो इंशाल्लाह अल्लाह बेहतरी करेगा। आखिर में पाकिस्तान के इदारों को कुछ पैगाम देना चाहेंगी जो बाहर खड़े हैं, इनमें कुछ आपको पता है तहरीक इंसाफ से मोहब्बत करने वाले, खान से मोहब्बत करने वाले एक बड़ी तादाद में मौजूद हैं, लेकिन एक गयूर वफा की मिसाल पख्तून बेटी के लिए बाहर खड़े हैं, इन्हें कोई पैगाम देना चाहेंगी? देखिए इदारे और हम जो हैं वो हम एक मुल्क हैं, हमने कल को दोबारा हुकूमत में आना है और हमने इन इदारों के साथ ये बैठना है। और मैंने तो आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि नून लीग वालों को मेरे ख्याल में पीटीआई को जो हमारी पार्टी है नून लीग वालों को सड़ाना ही यही चाहिए जो ठेकेदार बने हुए हैं कि हम बार बार पाक फौज का नारा लगाएं, क्योंकि जामिन हैं और हम उनसे मोहब्बत करते हैं वो हमसे करते हैं। ये जो इन्होंने बीच में कुछ गैप पीएमएलएन ने यह टेंशन क्रिएट करने की कोशिश की, हम इनके ये नापाक इरादे कामयाब नहीं होने देंगे इंशाल्लाह। अच्छा, यहाँ पे आपके कुछ जो नाकदीन हैं खास तौर पर मुस्लिम लीग नून की खवातीन हैं, मरियम नवाज साहब हैं, बहुत सारी, वो हो सकता है ऐसे इंटरव्यू को देख के सोचे कि शायद इस वक्त चूंकि आप लोग मुश्किल में हैं तो इसलिए इस तरह की बातें करें, पाक फौज जिंदाबाद इदारों के साथ काम करना, कुछ ऐसा मामला आप दबाव में तो नहीं कह रही हैं बातें? देखिए जब ये 9 मई के वाक्य में हमें एक फैब्रिकेटेड तरीके से पीएमएलए ने जब ट्रैप किया है पीटीआई को, तो उसका तो सबसे बड़ा लॉस पीटीआई को हुआ है। पीटीआई की तो पॉपुलैरिटी हद से ज्यादा उस वक्त भी थी, अभी भी बहुत ज्यादा हो गई है। तो पाकिस्तान का नारा लगाने के लिए मेरे ख्याल में किसी सिचुएशन की हाई कोर्ट में बैठने की जरूरत नहीं है, पाकिस्तान हमारा मुल्क है, पाकिस्तानी है। मेरे तो पहले कहना हमारे पास लंदन में कोई जायदाद है ना किसी और मुल्क में, हमने भाग के नजद्दा नोटों के बैग लेकर जाना, हमने तो पाकिस्तान में रहकर मुकाबला करना। बहुत बहुत शुक्रिया सरताज गुल, वफा की मिसाल एक और पाकिस्तान की क्यादत में नौजवान, इस वक्त नौजवान लड़की ये खातून इस वक्त पाकिस्तान में नौजवानों की उम्मीद का मरकज़, इतने मुश्किल हालात में जिस तरह ये मुस्करा रही थी साथ, आज इनके रोने वाले आंसू देखे लेकिन खातून है, इमोशनल हुई भाई की शहादत की बात करते हुए, उस पर लोगों ने मजाक उड़ाने की कोशिश की, कुछ अज़मा बुखारी साहिबा फरमा रही थी कुछ कि उस वक्त उछल उछल कर मुल्की इदारों के ख़िलाफ़ बातें कर रही थी। तो इनका एक बयान था अभी थोड़ी देर पहले भी सरताज गुल साहिबा ने जो ऑफ कैमरा बात की कि मैं एक शहीद की बहन होने पर रो रही हूँ, खुश हूँ, मुझे फ़ख्र है कि मैं एक रेमंड डेविस के वकील की बेटी नहीं हूँ। बहरहाल मैं इस पर ज़्यादा नहीं कहता क्योंकि उनके बयान थे। आज पाकिस्तान में जो अभी इसका इख्तिताम पे मैं आखिर में चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ साहब को एक दफ़ा फिर उनकी गैरत झंझोड़ने की कोशिश करूँगा, और साथ जो चीफ जस्टिस हैं पेशावर हाई कोर्ट के, आपने वादा किया था कि मैं अल्लाह और उसको रसूल को गवाह बनाकर जब आप उम्रे पे गए थे कि इंसाफ करूँगा, आज एक पाकिस्तान की बेटी वहाँ बैठी हुई है, और साथ इदारों को भी कहेंगे देखें ये इन मुश्किल हालात में भी हर जगह पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगा रही है, ये लोग गद्दार नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते, इनके साथ नरमी बरतें ना करें इनको अपना मुखालिफ। अल्लाह पाकिस्तान पर पाकिस्तानियों पर रहम करे। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।